थे, पिक्सी को अभी नहला रहा था, तो मुझे पता चला कि उसका राइट हैंड साइड का जो पेट है वो पूरा फूल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है उसका पेट राइट हैंड साइड से, गुब्बारे जैसा फूल गया है। तो मैंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया बिना देरी करके कि जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास, तो अभी जस्ट उनके पास ही जा रहा हूँ, उनको बताया मैंने ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने बुलाया है। लेट नहीं करना चाहता मैं ताकि कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो अभी जाते हैं। ये पिक्सी का बॉक्स है, इसको ही खाली करके इसमें ले जाते हैं पिक्सी को। पिक्सी कम, पिक्सी पिक्सी आ जाओ, चलो डॉक्टर के पास चलते, चलो पूछ अंदर करो अपनी। हाँ, वेरी गुड। सो गाइस, हम डॉक्टर के पास गए थे और उसका जो पेट फूल गया था तो डॉक्टर ने बोला है कि वो गैस थी, कुछ भी नहीं था, पोपड़ बन गए। पोपड़ बना दिया पोपट पोपट, यार टेंशन इतना ले लिया। वहाँ जाके बोलती है म्याओ, तो कुछ नहीं था। तो फिर सेकंड वैक्सीन का टाइम भी हो गया था, 2 दिन बाद सेकंड वैक्सीन इसको लगनी थी, तो आज ही उसको सेकंड वैक्सीन लगवा दी। तो चलो, एक काम वो भी हो गया जो कि 2 दिन बाद होता तो आज हो गया, तो घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया। हाय, हुर्रे, नो प्रॉब्लम। इधर एक पर्दा लगा रहे, तो हमारे पास एक ऑसम टूल है, ये है लेज़र गाइड मशीन। हाँ, ये रहा, अनलॉक करेंगे। तो अभी ये ग्रेविटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लाइन देती है ये। तो अभी ये टाइल्स का जो जॉइंट है इसके थ्रू हम पूरा दीवार के ऊपर तक और सेम यही लाइन। हाँ, इसके इसके साथ में हमको उधर जाएंगे, किधर जाएंगे? हाँ, तो अपन इससे ही करेंगे, लेकिन इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये लाइन दिख रही है, ये एकदम सीधी लाइन मिलेगी हमको विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, क्योंकि पर्दा भी ग्रेविटी से ही लटकेगा ना। तो लेज़र मशीन से टाइल्स का जो जॉइंट है उसके थ्रू हम ऊपर तक, ये लाइन यहाँ तक दिख रही है, तो हमको पर्दा टांगना है। तो एक इधर और एक ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे, दोनों तरफ मार्किंग करेंगे तो एकदम मस्त नपती आएगी। ये अलग नपती कर रहा है मुकेश, तो कुछ अलग ही नपती में लगे हुए। सात फिट इधर से ये लाइट गई, लेजर लाइट यहाँ से ये जा रही है ऊपर से सीधा ऊपर, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है इससे, आगे पीछे नहीं होगा। करो, तुम करो अभी। मैं तो कर दूंगा, बट आप कुछ बोल दो बस। मुकेश दा को कसना है अब और क्या, इधर और उधर 4 स्क्रू कस दो मुकेश दा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज जिम नहीं गया मैं, क्योंकि जिम जाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद पेन होता है ना, 2-3 दिन बाद तो वही पेन हो रहा है मुझे, तो सोचा आज घर पे ही कर लेते हैं एक्सरसाइज, कल से वापस स्टार्ट कर देते हैं जिम। तो जैसे कि आपको पता है हम बैचलर्स हैं, तो यहाँ 3 साल हो गए इस फ्लैट में हमको, तो पहले हम क्या करते थे, खुद ही बनाते थे सुबह उठकर खाना, फिर धीरे धीरे आलस आने लग गया, तो फिर एक दीदी हैं उनको बुलाया, फिर वो आते हैं खाना बनाने के लिए, तो एटलीस्ट गर्म गर्म खाना मिल जाता है बिना मेहनत करे। तो वी आर लक्की, दीदी मिली हमको जो कि ओके बना लेती है खाना वैसे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सिर्फ दीदी ही आएगी हमारे लिए खाना बनाने, अभी वो उन परमानेंट कर दिया है मतलब। सो 1980s में एक बीच का पानी बहुत क्लियर था, उसी बीच जा रहा हूँ, गोराई बीच, बहुत क्लियर पानी था, लेकिन अब कैसा है मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, अभी पता नहीं क्या करना सही है, वेट करते हैं और क्या। तो मैडम का फ़ोन आ गया है, आ रहे, मैंने सोचा उनको भी ले चलते, मैडम हमेशा वेट कराते, 5-10 मिनट वेट करना नॉर्मल है। तो मैडम को ले लिया है, मैडम पूरा 20 मिनट लेट आई आज, 20 मिनट तो नहीं, आधा घंटा लेट आया हूँ मैं, उसके बाद भी तुमने 20 मिनट और वेट करवाया है ना। जब तक अपन पहुंचेंगे सनसेट हो जाएगा, लेकिन ठंड है ना, जल्दी सनसेट होता है। ये सही, अंकल को हॉर्न दिया, रुक के पीछे देखने लग गए साइड में नहीं हो रहे। अरे यार, बोट तो चली गई, अभी दूसरी बोट आएगी, छोटी वाली है वो। अरे बहुत भीड़ है आज तो यार,
ओए पानी भी बहुत ऊपर है। पानी मस्त लग रहा है, सनसेट भी मस्त लग रहा है, मस्त है ना। पागोड़ा भी दिख रहा है, रेड सन दिख रही है, रेड और ऑरेंज है, ऊपर से ऑरेंज नीचे से रेड। और पागोड़ा में क्या चल रहा है? ये काम चल रहा होगा, काम चल रहा है कुछ मेंटेनेंस का। सो यहाँ तक लाइन है क्या? यहाँ नहीं है, लाइन आगे है। ये पागोड़ा के पीछे छुप गया सन, कितना सही टेक्सचर आ रहा है ना। इस टाइम पे हमको बीच पे होना चाहिए, ये टाइम पे बीच पे होना चाहिए था, सही बात बोली। वो आ गई अपनी बोट, तो अभी बाइक हमारी बोट पे है और हम बोट से उधर जाएंगे बाइक के साथ ही। वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर है, तो आपको ये बोरीवली जट्टी पॉइंट से जट्टी मिलेगी और आपको उधर जाना है, वो जो बड़ी बोट दिख रही है उस तरफ, उस पार जाना है खाड़ी के। हाँ वो गोराई क्रीक है, तो हमको गोराई क्रीक जाना है और वहाँ से 8-10 किलोमीटर है आगे बाय रोड, इसलिए बाइक और ये सब इसमें ही जाती है, बोट्स में, कार नहीं जाती, बस बाइक जाती है। तो ये पहुँच गए हम अभी। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो ये टिकट काउंटर पे बाइक का और हमारा दोनों का टिकट मिलेगा। यहाँ पे बाइक का, हमारा, प्रियंका का, सबका टिकट लेगा ये टिकट काउंटर वाला। ये कितनी भीड़ थी यार, ठंडा ठंडा अब लग रहा है ठंडा, वहाँ तो गर्मी लग रही थी बोट में। बस इसके अंदर गोराई बीच है, मेन बीच। बीच मेले 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 जैसा लगा हुआ है। वो घोड़े पे बैठे थे अपन एक बार, याद है? वो नहीं था, वाइट था। हाँ वाइट वाला, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ, रुको। हाँ जी मैडम, तो अंधेरा हो गया यार आते आते अभी। ये लास्ट टाइम आए थे, ये क्या नाम है इसका? प्रिंस, हाँ प्रिंस, यही था, इस पे बैठे थे हम लास्ट टाइम। लगा लगा दो प्रिंस। हाय प्रिंस, 1980s में ये यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था और अभी एकदम मट्टी वाला हो गया, लेकिन आज भी मुंबई में जितने भी बीच है सबसे क्लीनेस्ट बीच है ये वाला और हमेशा ही रहेगा। हम सारे बीचेस गंदे कर देंगे और उसमें से सबसे क्लीनेस्ट वाला ढूंढेंगे, तो अभी तो ये वाला क्लीनेस्ट है। क्या कर रहे हैं हम लोग इंसान। सो गाइस, हम वापस आ गए हैं क्योंकि अंधेरा हो गया था और बहुत जल्दी पहुँच गए आते टाइम, तो बहुत फास्ट चला है, भीड़ बहुत कम हो गई अब। अरे हट जाओ, फिर से टिकट लेनी पड़ेगी, बताओ। आने की भी टिकट, जाने की भी टिकट। मेरी फेवरेट बासुंदी, आप बस मुझे खिलाओ, सबको लगेगा मैं कितनी खाती हूं। खाओ, मैं खिलाता हूँ। तो राइट, मेरे को नहीं खिला, मैं नहीं खा रहा अब। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, कम पिक्सी कम, आ जाओ बच्चू। अरे परिंग चालू कर दी, देखो ये कैट के पैकेज में ना डॉगी मिल गई है मुझे। पिक्सी, आई एम लक्की टू हैविंग यू, कैट के पैकेज में डॉगी। आँख साफ कर लो,
आँख साफ करवा लो। जब भी मैं ऐसे घर आता हूँ काफ़ी देर के बाद, तो ये बिल्कुल मेरा वेट ही करती रहती है। जैसे डॉगी आ जाते ना घर के पास, मालिक के पास, ये भी मेरे पास आके और म्याऊं म्याऊं ऐसे करती है दो तीन बार, देख के बहुत अच्छा लगता है। यार बाइक चलाते चलाते ना पूरा हाथ ये पूरा ऐसे लाल हो जाते हैं, दोनों हाथ हैंडल ऐसे पकड़ पकड़ के। और मुंबई में तो गड्ढे ट्रैफिक है ही, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। सो पिक्सी को वैक्सीन तो लगवाई थी परसों के दिन, लेकिन वो आज खाना नहीं खा रही है, शायद वैक्सीन के कारण ही है। इतना सा खाना छोड़ दिया है, 50% भी नहीं खाया उसने, इतना कम दिया था ये। खा लो पिक्सी, खा लो यार पिक्सी, खा लो खाना, खा लो। तो पिक्सी ने अभी रात में उल्टी कर दी है और वो अब बाहर ही सो रही है। मैंने सफाई तो कर दी है सब, लेकिन अब वो बाहर ही सो रही है ताकि कभी और उल्टी हो तो बेड पे ना आए, तो वो भी समझती है। तो पहली बार आज मॉस्किटो नेट जो है हमारी उसके बाहर सो रही है, क्योंकि उल्टी हो गई थी उसको। देखता हूँ मैं सुबह उठ के कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कल खाना खाती है कि नहीं, नहीं तो फिर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। सो व्लॉग एडिट करते करते अभी कितना 2:22 हो गया यार, अभी बस सोते हैं, व्लॉग में एंड करता हूँ, बाय। Thank you.